हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम मोल कंसेप्ट के एप्लीकेशन को सीखेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हमको टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है 100 ग्राम ऑफ वाटर पे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारी चीजें हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन पे होता है, तो इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम अभी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल में टोटल प्रोटॉन कितना होगा वो चेक करेंगे। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, है ना। तो दो हाइड्रोजन में कितना? दो। एक ऑक्सीजन में आठ होता है, एट होता है, है ना। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? दस। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में दस प्रोटॉन। ठीक, तो अब सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो एक प्रोटॉन पे जो टोटल चार्ज होता है वो प्लस पोलैरिटी का और 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब का होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना है यूजिंग मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 होता है, है ना। मोल कंसेप्ट में AMU की जगह हम, या इस U की जगह हम क्या करते हैं, इसको हम मोलर मास में कन्वर्ट करते हैं। तो 18U की जगह हम लिख देंगे 18 ग्राम। ठीक, और मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि इसी 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो कितना होगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर का होगा, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम कितना हो गया? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, जो कितना होता है 6.02 × 10⁻²³। ठीक, तो पर ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा वाटर में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एवोगाड्रो नंबर को 18 से डिवाइड कर देंगे। तो 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में कितना? इतना बटा 18, है ना, यही होगा। अब 100 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल? तो भाई 1 ग्राम में जितना मॉलिक्यूल है उसी को हम 100 से गुना कर देंगे, तो हमको टोटल मॉलिक्यूल मिल जाएगा 100 ग्राम में। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? अब चूंकि एक ग्राम, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? इस वैल्यू को 10 से गुना कर देने से मिल जाएगा हमको, तो वही काम हम यहां करेंगे। ठीक, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जो कि 100 ग्राम में होगा 10 से गुना कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा, है ना। मतलब ये n हो गया जो क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले में n होता है, है ना, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो अब हम टोटल चार्ज निकालने के लिए क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, जो क्या होता है, Q = ne होता है। तो n हमको पता चल गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमको पता चल गया है, है ना। और ई का वैल्यू क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उतना ही होता है। ठीक, तो n की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और e की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो देखिए टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा Q = n × e। ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका पोलैरिटी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन के कारण हम चार्ज निकाल रहे हैं, है ना। मैग्नीट्यूड हम यहां पुट कर देंगे और यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम।
ठीक है। तो उम्मीद है प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर है 9179997901।